आज की रेसिपी मेरे भाई ने बनाई है, तो बहुत ही खास आज की रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जितना टेस्टी ये देखने में लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बना हुआ है। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या डाला गया है और कैसे बनाया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन किचन। आज आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम मशरूम। आज मैं मशरूम की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे भाई ने बनाई है। तो यहाँ पे मशरूम को हमने अच्छे से धोकर फिर हमें पीसेज में कट कर लेना है। तो ये देखिए, एक मशरूम के अंदर हमने 4 पीस किया हुआ है। उसके बाद से एक शिमला मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ और बराबर मात्रा में हमने प्याज लिया है, टमाटर 2 लिया है। एक कढ़ाही में 6 चम्मच सरसों का तेल हमने डाला है। अच्छे से गर्म होने के बाद 4 हरी मिर्च इसमें डालकर पकाएंगे और जो प्याज कट करके हमने रखा था उसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को अच्छे से भूनेंगे। जितना ग्राम हमने लिया है मशरूम, उतना ही ग्राम हमने प्याज लिया है। हमने यहाँ पे मशरूम लिया है 300 ग्राम और 300 ग्राम हमने प्याज लिया हुआ है और इसे मीडियम फ्लेम पे हमने चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हो गया है। और जब तक अच्छे से प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाता है ना, तब तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है। मशरूम की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने डाला है नमक, यहीं पे हमने नमक डाल देना है पूरा स्वाद के हिसाब से। तो यहाँ पे एक छोटी चम्मच हमने नमक डाला है और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद प्याज और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि पक जाएगा। तो इस तरीके से चलाते हुए प्याज अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक नहीं पकाना है। तो सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पे 2 टमाटर इस तरीके के पीसेज में कट करके डाल दिया है हमने और एक बड़े साइज की शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से चौकोर पीसेज में कट करके डाला है। और जो लहसुन की कलियाँ थी ना, उसे कट करके या पेस्ट बनाकर नहीं डालना है, इसी तरीके से हमने साबुत ही इसे डाल दिया है। और सारे चीज़ों को हमने सॉफ्ट होने तक इसे भूनना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम ही है, हाई फ्लेम या लो फ्लेम नहीं है। तो टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम पकाएँगे और अब इसे ना हम ढक्कन लगा देंगे जो अच्छे तरीके से कुक हो जाए और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो चलिए ढक्कन लगाकर फिर पकाते हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें बढ़ाना नहीं है, उतना ही रखना है। तो यहाँ पे हमने ढक्कन हटा लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें पानी छोड़ दिया है प्याज ने और इसी पानी में अच्छे से कुक होगा। तो इसे हमने फिर से चला लिया है और इसे ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से 2-2 मिनट के अंतराल पे हमने इसे चलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लिया है। अब जो मशरूम हमने कट करके रखा हुआ था, अब यहीं पे ऐड कर देंगे उसे। तो चलिए मशरूम को डाल देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मसालों में हम छोटी चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे धनिया पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद से इसी चम्मच से हम छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे बहुत छोटा चम्मच है इसलिए आपको 3 चम्मच दिख रहा है, जो टी स्पून होता है ना उसे 1 चम्मच डालना है धनिया पाउडर। और यहाँ पे 1/2 चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और जीरा और काली मिर्च पाउडर यहाँ पे 2 चम्मच डाल रहे हैं छोटी चम्मच से। उसके बाद से इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा और नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार से ही डालें। यहाँ पे रेड चिली पाउडर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हरी मिर्च हम डाले हैं, शिमला मिर्च डाले हैं। आपको और तीखा पसंद है तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इन सारे मसालों को इसी तरीके से अच्छे से मशरूम के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे इसमें अभी पानी नहीं डालना है। पहले धनिया डालने हैं, फिर हल्दी, कुछ भी डाल, कोई सा मसाला बोल रही
प्याज ने जो पानी रिलीज किया था ना, उसी पानी में मसाले अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ पे अब ढक्कन लगा देते हैं। अच्छे से मसालों को हमने मिक्स कर लिया था और 2 मिनट पकाने के बाद फिर हम ढक्कन हटाएंगे और इसे चला लेंगे। तो इस तरीके से जितने बार हमने चलाया है ना, उतने बार आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बस सब्जी को चलाते जा रहे हैं। और ये ऊपर शिमला मिर्च, 4 को हरा मिर्चा ज़्यादा। यहाँ पे हल्के हाथों से आप देख पा रहे होंगे कि सब्जी को हम चला रहे हैं, ताकि सब्जी जो मशरूम है ना वो टूटे नहीं। वैसे भी वो टूटेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी हल्के हाथों से चला रहे हैं। और बीच बीच में इसी तरीके से चलाते हुए हमें ढक्कन लगाना है, फिर चलाना है, मसालों को अच्छे से भुनना है इसी तरीके से चलाते हुए और ढकते हुए। तो यहाँ पे मिर्ची का जो क्वांटिटी है ना, 4 हमने हरी मिर्च ली है और 1 शिमला मिर्च। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है ना, तो आप रेड चिली भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे भाई को तीखा कम पसंद है, इसलिए हमने इतना ही डाला है और काफ़ी है इतना मिर्च। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने फिर से इसे भुना है और बहुत अच्छे तरीके से मसालों से खुशबू आने लग गई है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो आप चावल के साथ बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा ऐड करें, आप पूरी पराठा रोटी के साथ बना रहे हैं तो पानी कम ऐड करें। तो यहाँ पे छोटे गिलास से ना आधी गिलास हम पानी डाल रहे हैं। ये देखिए, बहुत छोटा सा गिलास है, आधी गिलास के करीब हमने पानी ऐड किया है और इसे मिक्स कर देंगे। तो आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डालें और इसे ढक्कन लगाकर हम फिर से पकाएंगे, जो अच्छे से ग्रेवी में ये पक जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, पानी थोड़ा कम लग रहा है ग्रेवी, क्योंकि पकने के बाद थोड़ा सा और ग्रेवी कम होगा इसलिए। तो यहाँ पे पानी हमने डाल दिया है और इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेते हैं और सब्जी यहाँ पर उसके बाद रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 पिंच गरम मसाला और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और तो 2 मिनट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से, बहुत ही अच्छी। तो अब ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं और सब्जी का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सब्जी ठंडे होने के बाद इस तरीके से गाढ़ी सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो ये रोटी पराठा और पूड़ी के लिए सब्जी की ग्रेवी है और चावल के साथ आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना है, एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।